है कि जब आप फैशन शो में जाते हैं, कहीं पे परफॉर्म करने के लिए जाते हैं, उस वक्त दिमाग में क्या चल रहा होता है? ये डुप्लीकेट नहीं होते हैं, ये ओरिजिनल होते हैं और लाइव होते हैं। और करना क्या होता है, बेहतरीन परफॉर्म करना होता है। और ये भी हमारे साथ में है, यहाँ पर थोड़ा क्लोज ले आए। हाँ, जिफा में मौका मिला है, जिफा के मंच में ये मौका मिला है। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? क्या एक एक मॉडल को अगर झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात करें, एक अंतर्राष्ट्रीय मंच मिल रहा है हमारे लिए? आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? आप कहाँ रहते हैं? रांची से। रांची से बिलोंग करते हैं। आगे मॉडलिंग को लेकर करियर क्या देखते हो आप? जहाँ तक हो सके करेंगे, कोशिश करेंगे। देखिए, रांची अब वो रांची नहीं रही, अब ये जो रांची है वो बहुत आगे जा रही है। चाहे वो मॉडलिंग की बात कर ले, या स्टाइलिंग की बात कर ले, या फिर फैशन की बात कर ले, आपका नाम क्या है? करिश्मा, आप ये बताएं, जीफा में शामिल होकर आप लोगों को कैसा लगा? जो लोग आपको देख रहे हैं आज, आप उनसे क्या कहना चाहेंगी मॉडलिंग को लेकर? अब कब से मॉडलिंग की शुरुआत आपने कब की? अभी क्या ये कब है जब आप ये पहला बार परफॉर्म करेंगे? पहले भी आपने परफॉर्म किया? ये दूसरी बार है। कैसा डर लग रहा है, नर्वस है या फिर कॉन्फिडेंट है? आज क्या मैसेज आप देने जा रहे हैं? अपना कल्चर अपना ही होता है और कल्चर को दिखाना चाहिए। और ये तीर वाले भैया को ले लियो, आइए भी देखिए। बुढ़ा से क्या नाम है आपका? क्या बने हैं आप? बिरसा मुंडा बने हैं। तो ये बिरसा मुंडा की जमीन है, बिरसा मुंडा पूरा साथ करा है, पूरा साथ पूरा साथ राइट। और आप क्या है? आप ये अपने स्टाइल की जमीन क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या एक फाइनल मैसेज है जो मॉडलिंग करना चाहते हैं और आप कर रहे हो? जो लोग बात करना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हो? क्या बात है भाई, ये अच्छी बात है कि आप गुरु को इतनी बार याद करते हैं। लेकिन इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई, कॉन्फिडेंस, ये जो शब्द है, अगर ये आपके पास है तो फिर आप कोई भी मंजिल को पालेंगे। आपका नाम क्या है? ये क्या है? सोहराई पेंटिंग, आपने भी सोहराई पेंटिंग देखी होगी। और जब कोई जैसे आदि महोत्सव होता है या फिर कोई ऐसे फेयर लगाए जाते हैं जहाँ पे अपनी संस्कृति जुड़ी होती है, तो वहाँ पे इस तरह के पेंटिंग नजर आते हैं। आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? अगर आप जिस कल्चर को दिखाना चाहते हैं, उस कल्चर के लिए मैसेज देना, तो लोगों से क्या कहेंगे? चलिए, ये जो नर्गिस ग्रुप है, हमने इनसे बातें की और इनका मकसद क्या है, अपने स्टाइलिंग के माध्यम से जो हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है, उसे आप तक पहुंचाना है। अब हम बात करते हैं इमरान जी से, जो सभी कह रहे हैं कि इमरान जी का एक बहुत अच्छा रोल रहा उनके साथ, उन्होंने वो स्टाइलिंग की है, एक मैसेज देना चाहते हैं। उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो ग्रुप है आज जिफा में क्या खास करने वाला है। कैसे हैं इमरान जी आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, अब काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ पे, काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं, ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे साथ इतने
करीब से जान रहे हैं और यहाँ की कल्चर, यहाँ के फैशन, यहाँ के डिजाइन। अपनी संस्कृति को मॉडलिंग के जरिए लोगों तक पहुँचाने में कितनी मुश्किलें आती हैं या क्या कुछ आप लोगों को फेस करना पड़ता है? मुश्किलें तो बहुत सी आती है, क्योंकि अगर ट्रेडिशनल काम आप अगर कर रहे हो तो उसके लिए आपको बहुत चीज़ों के बारे सर्वे करना पड़ता है। हमारा झारखंड जैसे पहाड़ों, नदियों और यहाँ के आर्ट्स, यहाँ का कल्चर बहुत ही यूनिक और जगहों पर, इसलिए हम लोगों ने मैं एक ड्रेस पे मैंने पूरे सोराय के साथ मैंने काफी स्टिच डिजाइन किया। यहाँ की टोकरी या डलिया हाथ हैंडवर्क तो मैंने प्लेस किया ताकि लोगों की नज़र पड़े। ये भी झारखंड की बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है और यहाँ की कल्चर्स में ये बहुत अहम भूमिका निभाती है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप एक बहुत बेहतर काम कर रहे हैं अपने मॉडलिंग के जरिए से। तो आप टुकड़े इस टाइम में नर्गिस ग्रुप के टीम को देख रहे थे जिन्हें हैंडल करते हैं, डायरेक्ट करते हैं इमरान जी, और उनकी कोशिश है अपनी संस्कृति को आप तक पहुंचाने की। और एक, ये एक, 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 एक काम के लिए अकेले कुछ होती नहीं है, अगर एक अच्छी टीम हो तो काम और भी अच्छा होता है। इनसे मिले मेरी असिस्टेंट डिजाइनर है प्रियंका, इन्होंने काफी मेरी सही जी। आप प्रियंका जी, मैं आता आपके पास लेकिन उन्होंने आपको बुला लिया, कोई बात नहीं है। कितना मुश्किल होता है इन चीज़ों को एग्जीक्यूट करना, मॉडल्स को एक जगह करना, चीज़ों को बहुत बेहतर बनाना? मुश्किल तो है, पर कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। हम सब शुरू से ही बहुत काम कर चुके हैं, बहुत सारे शुरू में, तो अब उतना नहीं लगता है कि कैसे हैंडल करना है, क्या है, मतलब सब कुछ हो जाता है। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि जब एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंच में अपनी संस्कृति को कोई प्रेजेंट करता है। आज के इस वीडियो वाले पार्ट में बस इतना ही, हम फिर किसी एक मैसेज के साथ हाजिर होंगे। कमलेश बिट्टू मिश्रा को दीजिए इजाजत, बाय बाय।